13 नवंबर को यानी कि पहले फेज के अंदर राजस्थान में उपचुनाव होने हैं और आपको पता भी है कि 7 सीटों को लेकर के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 13 नवंबर को राजस्थान के अंदर 7 सीटों पर उपचुनाव किए जाएंगे। 23 नवंबर को इसके नतीजे सामने आएंगे। तो राजस्थान की 7 सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसके लिए अब तारीखों का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर यानी कि फर्स्ट फेज के अंदर ये चुनाव होना है, यानी कि 13 नवंबर को एक तो उपचुनाव के जो जिन इलाकों के अंदर उपचुनाव होने हैं फर्स्ट फेज के अंदर वहां पर वोटिंग की जाएगी और दूसरा झारखंड के अंदर जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन है उसमें भी वोटिंग होगी। तो यानी कि आपको बता दें कि राजस्थान के साथ साथ दो ऐसे प्रदेश जहां पर जो चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान किया गया है इसमें झारखंड और महाराष्ट्र है। झारखंड में दो फेज के अंदर चुनाव होने हैं 13 और 20, और वहीं महाराष्ट्र के अंदर एक ही फेज में जो वोटिंग है वो की जाएगी और वो 20 तारीख को होंगे। चुनावी नतीजे जो है वो 23 तारीख को सामने आएंगे और इसी दौरान राजस्थान समेत जो देश के बाकी राज्य हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं वहां पर फर्स्ट फेज के अंदर ये उपचुनाव किए जाएंगे। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होना है और ये जो है 13 तारीख को जो है इसके जो वोटिंग है वो की जाएगी और इसका जो चुनावी परिणाम है वो 23 तारीख को उसके नतीजे एक साथ ही सभी राज्यों के साथ सामने आएंगे। तो यानी कि 13 नवंबर को राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। चुनावों को लेकर के जो तारीखों का इंतजार था वो अब खत्म हो चुका है और साथ ही तारीखों के ऐलान के साथ ही ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है और इसके लिए बकायदा कब नॉमिनेशन फाइल करना है, आखिरी तारीख कब है, ये सभी चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं। और ऐसे में जो तमाम राजनीतिक दल हैं जो कि राजस्थान के अंदर उपचुनाव के अंदर अपनी पूरी ताकत झोंके हुए थे तो उनके लिए ये बड़ी जानकारी है और जनता भी जो कि खाली हुई सीटों को लेकर के इंतज़ार में थी कि किसको चुनना है तो वो समय अब आ चुका है और ये एक उत्सव के तौर पर है। जब चुनाव आयोग की तरफ से जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने कहा कि हमें इन चुनावों को एक उत्सव के तौर पर मनाने की ज़रूरत है, इसको हमें उत्सव के तौर पर देखना चाहिए और चुनावी उत्सव में सभी लोग शामिल हों, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, ये इसमें सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी कि वोटिंग का जो परसेंटेज है वो उसमें अच्छा खासा होना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं या फिर कह लिया जाए कि जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर वोटिंग पैटर्न को लेकर के उन्होंने सवाल ज़रूर उठाया। लेकिन इस बीच जो बड़ी जानकारी वो सामने आई है, राजस्थान की 7 सीट जिन पर उपचुनाव होने हैं 13 तारीख को यानी कि 13 नवंबर को वोटिंग की जाएगी और 23 नवंबर को उसके चुनावी निष्कर्ष यानी कि नतीजे उसके सामने आएंगे। तो 13 नवंबर को वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद इंतज़ार करना होगा 23 नवंबर तक का जब चुनावी नतीजे सभी के सामने आएंगे। उससे पहले नॉमिनेशन फाइल करने से लेकर के नॉमिनेशन की जो लास्ट डेट है वो सभी जो चीज़ें हैं वो सामने हैं। लेकिन 7 सीटों का जो समीकरण है वो क्या कहता है ज़रा ग्राफिक्स के जरिए वो भी आप देखिए। लेकिन इस बीच इनपुट एडिटर सुशांत पारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। सुशांत, तारीखों का इंतज़ार था, 7 सीटों का उपचुनाव और इसमें क्योंकि तमाम जो राजनीतिक दल हैं पूरी ताकत के साथ मैदान में डटे हुए थे, तारीखों का इंतज़ार हो रहा था और वो भी अब जो इंतज़ार है वो खत्म हो चुका है। 13 तारीख तय हो चुकी है, 23 तारीख को नतीजे। बिल्कुल फाइनली जो है डिक्लेयर हुआ है, जो तारीखों का ऐलान हो चुका है और एक तरीके से बड़ी परीक्षा है राजस्थान में सभी राजनीतिक दलों के लिए, ना केवल सरकार बल्कि कांग्रेस, क्योंकि हरियाणा चुनाव के बाद जो मनोबल डाउन हुआ है उसको इस इलेक्शन के जरिए वापस उठाना है। RLP की एक सीट है, बाप पार्टी की एक सीट है, BJP के पास एक सीट है, 4 सीट कांग्रेस के पास है, टोटल अगर 7 सीटों की बात करें। और जो तारीखों का ऐलान हुआ है उसमें 25 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे, 28 तक स्क्रूटनी होगी, 30 तक नामांकन वापस लेने की तारीख और 13 नवंबर को वोटिंग होगी। यानी एक तरीके से प्रत्याशियों के चयन को लेकर जो माथापच्ची पिछले काफ़ी दिनों से चल रही थी कांग्रेस और भाजपा के भीतर वो अपने आप में अब अंतिम दौर में होगी और जल्द ही हम देखेंगे कि नामों का ऐलान कर लिया जाएगा। और सरकार के 9 महीने के कामकाज पर भी एक तरीके से ये चुनाव परिणाम जो है वो जनता की मोहर होगी अगर आशानुरूप रहते हैं तो। वाकई जिस तरीके से सरकार कोशिश कर रही है, अभी हम शाम को ही सुन रहे थे आज की जिस कैलेंडर जो जारी हुआ है भर्ती परीक्षाओं को लेकर, राजेंद्र राठौर प्रेस वार्ता कर रहे थे, बताने की समझाने की कोशिश कर रहे थे कि युवाओं के लिए क्या हुआ। एक बयान राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का आया कि कैसे राइजिंग राजस्थान के जरिए युवाओं को लॉन्ग टाइम जो है रोजगार कैसे दिया जाए प्राइवेट सेक्टर में,
उस दिशा में वो कोशिश कर रहे हैं। तो सारे मापदंड सरकार लगातार कोशिश कर रही थी और फाइनली अब जनता जो है वो तय करेगी। 7 सीटों में अगर बात करें तो बाप पार्टी के पास 84 की सीट बड़ी टफ है सरकार के लिए, क्योंकि वहाँ पर पिछले 2 चुनावों में लगातार बाप पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीत रही है। हालांकि एक अच्छी बात बीजेपी के लिए ये कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन था वो अब वैसा नहीं है। लोकसभा में इसका बड़ा फायदा हुआ था उनको, बाप पार्टी उनके साथ थी, आरएलपी हनुमान बेनीवाल वाली पार्टी उनके साथ थी, अब ऐसा तालमेल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हो सकता था कि अब जो उपचुनाव को लेकर के जो तैयारी है, क्या इसमें पहले, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ा गया था, अभी क्या परिस्थितियां क्योंकि बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो सीट शेयरिंग को लेकर के अब क्या इंडिपेंडेंट अलग अलग हर कोई अलग अलग लड़ेगा या एक साथ लड़ने की तैयारी है? परिस्थितियां तो अभी यही कह रही हैं कि अलग अलग चुनाव लड़ने की तैयारी है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के जो बयान अभी हाल ही के दिनों में आए हैं, जिस तरह की तलखियां उन्होंने दिखाई हरियाणा चुनाव में प्रचार के दौरान, उन्होंने कहा कांग्रेस ने पीठ में छुरा भोंका है, और बाप पार्टी के जो राजकुमार रोथ हैं वो भी कोई अच्छी जो है उनकी ऐसी बॉडी लैंग्वेज। जिसपे बीजेपी इज होपिंग फॉर अ सिंपथी फैक्टर, लेकिन बाकी सीटें कितनी बड़ी चुनौती है। हमने देखा है कि जो झुंझुनू खीमसर वो जो एरिया है लोकसभा में वो सारी सीटें खिसक गई थी। फिर हम देख रहे हैं कि साउथ राजस्थान में जो भारतीय आदिवासी ट्राइबल पार्टी है उसने काफ़ी बढ़त ली है, कांग्रेस बीजेपी को दोनों को टक्कर दिए। तो ये जो 7 सीटें हैं इसमें जो जातिगत समीकरण है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए चैलेंज तो हम आप मानेंगे। देखिए वैसे तो आप देखो तो हर चुनाव एक चुनौती है, परंतु आपने हरियाणा के चुनाव में देखा होगा कांग्रेस ने कई नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी। आप जिन जातियों की बात करते हैं, जातियां गोलबंदता भी आपने देखी होगी, पर सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जनता के जहन में रही और हमने हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई। हमारी सरकार का ये जो छोटा कार्यकाल बीता है इसने 2 बातों को सिद्ध कर दिया, एक पारदर्शिता से सरकार काम करेगी, एक जिनका हक है उस हक पर कोई किसी को डाका डालने नहीं देगी, और एक बुनियादी सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए सरकार कटिबद्धता के साथ आगे बढ़ेगी। कई फैसले हुए, इन फैसलों का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। हर व्यक्ति जो उपचुनाव के अंदर अपना मत देता है उसके दिलो दिमाग में एक ही बात रहती है कि आने वाले समय में मेरा वोट विकास के साथ कैसे जुड़े, और विकास सरकार कर सकती है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए मैं इसको कोई चुनौती नहीं मानता। राजेंद्र जी, यूजुअली क्या होता है कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होता है वो काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में रहता है एज फार एज बाई इलेक्शन आर कंसर्न, लेकिन इस वाले में आपका नेतृत्व बिल्कुल नया है, कोई भी पुराने चेहरे चाहे आप हो या वसुंधरा जी हो या कोई भी नहीं है, तो आपका जो नया नेतृत्व है अब राजस्थान के हेल में उनके लिए एक लिटमस टेस्ट है ये? देखिए कोई लिटमस टेस्ट नहीं, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का पद सबसे बड़ा पद है और वो पद हमारे सबके पास है, हम हमारे नेतृत्व के साथ मजबूती से खड़े हैं। राजेंद्र जी, आपका जो एरिया है वहाँ पे 2 चुनाव हैं, जैसे चुरू से सटता हुआ झुंझुनू है, खीमसर है, इस बार हमने देखा कि बीजेपी का बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था, क्या कारण रहे थे और आगे आप उपचुनाव में आपको क्या लगता है, कुछ आपने कुछ रिकवरी मेजर्स लिए हैं क्या? निश्चित तौर पर हर चुनाव एक परीक्षा है और परीक्षाओं के बाद में जिस प्रकार परीक्षार्थी सोचता है कि इसमें क्या कमी रहेगी, हमने भी उन सारे कारकों को देखा है और उनको ठीक करने का काम किया, और आपको जब नतीजे आएंगे तो आप महसूस करोगे कि भारतीय जनता पार्टी ने वो सारी बातें जिस जो नैरेटिव बनाने में पिछली बार कांग्रेस कामयाब होगी, अब सारे उसका तोड़ भी निकाल लिया और उस तोड़ के साथ औरों का जोड़ भी निकाल लिया, और तोड़ और जोड़ करके हम चुनाव को जीतेंगे। तो कैंपेन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, क्योंकि आप सब मीटिंग्स में शामिल थे, नड्डा जी से भी मिले हैं, मदन राठौड़ जी ने, ऑफकोर्स नए बीजेपी प्रेसिडेंट है, तो कैंपेन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, क्या पूरी सरकार उसमें लग जाएगी, सब मंत्री लगेंगे या गिने चुने लोग लगेंगे? देखिए इसका निर्णय तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी करेंगे, पर जिसको जहाँ काम मिलेगा वही काम वो करेगा। आपने देखा होगा इस बार बिना खड़क बिना ताल तीसरी बार सरकार आ गई हरियाणा के अंदर, आपने कोई लंबी चौड़ी फौज भी नहीं उतरी। मैं समझता हूँ हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ता है और उसी हिसाब से बूथ मैनेजमेंट के लिए कुछ लोग लगेंगे और पार्टी जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो राजेंद्र राठौड़ जी बता रहे थे कि क्या स्ट्रैटेजी रहेगी बीजेपी की आने वाले उपचुनावों में।
तो राजेंद्र राठौर को आप सुन रहे थे, और उपचुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद तुरंत उनसे जब प्रतिक्रिया उनसे जाननी चाहिए, क्योंकि झुंझुनू के आसपास का जो लगता है एरिया है, पहले हालांकि उसमें बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा था, लेकिन अब रिकवरी बोर्ड में अगर बीजेपी है तो क्या वापस से कमबैक करने की तैयारी है और किस स्ट्रैटेजी पर वो काम करने की बात कर रहे हैं, ये हमने जानने की कोशिश की। लेकिन इस बीच हमारे साथ लगातार हमारे जो इनपुट एडिटर हैं सुशांत पारिक लगातार बने हुए हैं। सुशांत, अब क्योंकि एक बड़ा फैक्टर है अब इसमें बीजेपी के लिए, क्योंकि एक सीट थी जो बीजेपी के खाते में थी, बीजेपी के पास पाने के लिए तो बहुत कुछ है क्योंकि बाकी और 6 सीटें भी हैं, अपनी सीट बचानी भी है और 6 और सीटों पर बीजेपी की नज़र भी है, लेकिन वो उतना आसान नहीं है। जैसा कि 2 रीजनल पार्टी हैं RLP और BAP की, उन सीट पर क्योंकि परंपरागत वो सीटें मानी जाती हैं, वहां पर एक लंबे समय से उन्हीं पार्टियों का कब्जा रहा है, कुछ सीटें ऐसी हैं जिनमें कांग्रेस का वो गढ़ कही जाती हैं, तो उन गढ़ में सेंध लगाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि एक फैक्टर जरूर ये हमेशा से काम करता रहा है जहां पर भी बाई इलेक्शन होते हैं कि जब जिसकी भी सरकार होती है उसको एक एज होता है, लेकिन यहां समीकरण अभी क्या बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, राजेंद्र राठौड़ जो कह रहे हैं कि लिटमस टेस्ट नहीं है, ये तो खैर एक पॉलिटिकल बयान है, चुनौती तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और राजेंद्र राठौड़ ये बात अच्छे से जानते हैं क्योंकि 7 सीटों में से केवल 1 सीट सलोम्बर वाली सीट उनके पास थी और वहाँ चूंकि विधायक का निधन हुआ तो सिंपैथी लहर उनके पास होगी, लेकिन बाकी सभी सीटों पर चुनौती कड़ी है, इसमें दो राय नहीं है, और यही कारण है कि प्रत्याशियों के चयन में लंबा वक्त बीजेपी ने लगाया है और सभी जगह कमेटियां बनाई गई, ग्राउंड स्तर से क्या फीडबैक है, पार्टी के नेता क्या सोचते हैं, प्रदेश अध्यक्ष की क्या राय है, मुख्यमंत्री के पास क्या फीडबैक है, संगठन और स्वयंसेवक संघ जो है उनकी क्या राय है, तो सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद 3-3 नामों के पैनल जो हैं वो दिल्ली गए हैं। अब दिल्ली से वो लिस्ट हम उम्मीद कर रहे हैं जल्दी जारी होगी, लेकिन इस बार ये बात भी सही है जो आप कह रहे हैं कि खोने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, एक सीट है तो आप अगर इससे ज़्यादा सीटें जीतेंगे तो आप प्लस में रहेंगे, और प्रभारी और अध्यक्ष के बयान कुछ इसी तरह के आशय भरे हमने सुने थे। तो कुल मिलाकर भाजपा चाहेगी कि एक अच्छा प्रदर्शन करे, हरियाणा चुनाव में जो परफॉर्मेंस रही है उससे कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा है, पार्टी के नेताओं का मनोबल बढ़ा है, और वो ये जानते हैं कि कैसे हारी हुई बाजी को जीता गया हरियाणा में। राजस्थान में उपचुनाव बड़ी चुनौती है, लेकिन खोने के लिए कुछ नहीं, लिहाजा कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़े, लेकिन उसके बावजूद चाहे वो बाप जो पार्टी का गढ़ अगर 84 सीट की बात करें या फिर हनुमान बेनीवाल की खींवसर जैसी सीट की बात करें, यहाँ मुकाबला आसान नहीं होगा। बस ये प्लस पॉइंट है कि कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो अधिकांश सीटों पर हम देख सकते हैं त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बन सकती है, और ऐसी सूरत में अगर प्रत्याशियों के चयन को लेकर अच्छा फैसला हो जाए और जातीय समीकरणों को साधने में बीजेपी कामयाब रहेगी तो फिर हो सकता है कि सरकार के कामकाज के आधार पर जनता के बीच जब जाएंगे तो परिणाम बेहतर जरूर मिल जाए। लेकिन अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, बार बार क्योंकि आप जितने भी पॉलिटिकल पंडित हैं वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा की जीत का असर राजस्थान पर क्या होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब कुछ पॉलिटिकल पंडित ये भी कहते हैं कि भाई वहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं और राजस्थान की परिस्थितियाँ और परिवेश दोनों चीज़ें अलग हैं, क्योंकि वहाँ पर जाट नॉन जाट वाला जो फैक्टर था वो बहुत हद तक काम किया और उस पर बीजेपी ने वर्क भी किया था, लेकिन राजस्थान में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि ध्रुवीकरण वाला या 2 फैक्टर वाला ऐसा कुछ एज कहीं बीजेपी को मिले। तो यहाँ पर परिस्थितियाँ अगर हरियाणा के चुनाव से देखा जाए तो उसमें किसी तरीके का कोई एज राजस्थान में बीजेपी को? देखिए शुभेंदु, हरियाणा और राजस्थान का वैसे आप तुलनात्मक तौर पर नहीं जो आकलन कर सकते, ये जरूर है कि वहाँ पर जब जीत मिली है तो यहाँ राजस्थान में भी आपको जश्न मनाने का मौका मिला, यहाँ भी आतिशबाजी हुई, यहाँ भी पार्टी दफ्तर में हमने देखा जलेबियाँ बनाई गई, तो कार्यकर्ता चार्ज हो जाता है, मनोबल बढ़ जाता है, एक बड़ा स्टेट जब आप जीतते हैं तो मैसेज तो जाता ही, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन उपचुनाव में आमतौर पर उस तरीके के इशू काम नहीं करते हैं जैसे पूरे विधानसभा या लोकसभा चुनाव में हमने देखा। यहाँ सभी 7 सीटों के अलग अलग समीकरण हैं, आप अगर 84 का चुनाव लड़ेंगे तो आप झुंझुनू के साथ उस माइंडसेट के साथ वहां पर नहीं जा सकते, एक जाट बहुल सीट के हिसाब से वहां आदिवासी बेल्ट है और वहां के स्थानीय मुद्दे अलग हैं, वहां आपके सामने चुनौती बिल्कुल अलग होगी, झुंझुनू में आमने सामने का कांग्रेस के साथ आपका मुकाबला होगा, लेकिन आप फिर अगर देवली उनियारा दौसा में जाएंगे
जहां गुर्जर मीणा बाहुल्य इलाका है और वहां पर दोनों जातियां किसी एक उम्मीदवार के साथ आ जाएंगी तो शायद पार्टियां बहुत पीछे छूट जाती हैं। और इसी तरीके से रामगढ़ का चुनाव हम देखें तो वहां पर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की जो आप बात कर रहे हैं, चूंकि मेवात से सटा हुआ इलाका, हरियाणा से सटा हुआ है, तो वहाँ कुछ हद तक जो है ये कार्ड काम कर सकते हैं। लेकिन फिर आप खींवसर जाएंगे, जाटलैंड बिल्कुल, और हनुमान बेनीवाल का गढ़ है, एक रीजनल पार्टी जो कहे उसका गढ़ है, यानी कि हर सीट पर अपने अलग समीकरण दिखाई, और एक समीकरण को अगर साधने के लिए आप कोशिश करते हैं तो बाकी समीकरण बाकी सीटों पर बिगड़ते हुए दिखाई देंगे। और ये बहुत बैलेंस करके दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को इस पर निर्णय लेना होगा। रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हर्षा जी, एक चीज क्योंकि अभी आपने बातचीत भी की थी और राजेंद्र राठौर ने उसमें कहा भी कि लिटमस टेस्ट नहीं है, क्योंकि ये साफ है क्योंकि एक कार्यकर्ता के पदवी के आधार पर ही हम ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। हरियाणा का एक एज जरूर है बीजेपी के पास, क्योंकि लोकसभा के बाद थोड़ा सा मोराल डाउन जरूर हुआ था कार्यकर्ताओं का, लेकिन हरियाणा की जीत ने एक उत्साह जरूर दिया है बीजेपी को, एक अपर एज पर जरूर है, लेकिन कांग्रेस से मुकाबला सीधे तौर पर, क्योंकि बाकी की जो सीटें हैं उस पर सेंध लगाना, उसमें उस गढ़ के अंदर घुसपैठ करना या वहां तक पहुंचना, वो उतना आसान बीजेपी के लिए अभी भी नहीं है। जी बिल्कुल शुभेंदु, और अगर राजेंद्र राठौर ने कहा ये लिटमस टेस्ट नहीं है तो मैं आपको ये कहूंगी कि आप बिल्कुल उसको बिलीव मत कीजिए। हम जर्नलिस्ट हैं और हमारा काम है हर चीज को क्वेश्चन करना। देखिए, कहीं ना कहीं जो राजेंद्र राठौर का जो स्टेटमेंट है वो इसलिए है क्योंकि वो अपना कहीं ना कहीं बचाव कर रहे हैं। उनको मालूम है कि ये चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण है और वो भजनलाल सरकार के लिए एक टेस्ट 100% है। देखिए, पिछली बार जो था आपके पास बहुत कद्दावर नेता थे, जब भी बाय इलेक्शन हुआ आपके पास अशोक गहलोत थे या आपके पास वसुंधरा राजे थी, लेकिन इस बार आपके पास एक नया नेतृत्व है, सिर्फ बीजेपी में नहीं लेकिन कांग्रेस में भी। अगर हम कांग्रेस का भी देखेंगे तो सचिन पायलट ने अपने कुछ कैंडिडेट्स को तो जिता दिया है, लेकिन अब जो बाय इलेक्शन होगा वो भी उन्हीं की सीट्स पे होगा। उन्हीं के जो कैंडिडेट्स थे, जैसे डौसा है, देवली ओरियारा है, झुंझुनू है, वो सब उन्हीं के कैंडिडेट्स थे, उन्हीं के कैंडिडेट्स को भी जिताना इस तरह से सचिन पायलट के लिए भी लिटमस टेस्ट है। तो सबसे पहले जो ये उपचुनाव है, मैं कहूंगी कि राजस्थान का ये सबसे महत्वपूर्ण उपचुनाव है जो अब तक मैंने कवर किया है। क्यों? क्योंकि इस बार नया नेतृत्व है और यूजुअली लोग बड़े रिलैक्स रहते हैं उपचुनाव में, कहते हैं जो सरकार पावर में है वही सरकार उपचुनाव जीतेगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। हाँ, आपने जो हरियाणा की जीत का बताया है, कार्यकर्ता में उत्साह जरूर है उसको लेकर, और एक तरह से सतीश पूनिया जो राजस्थान से बीजेपी के लीडर थे वो वहाँ पर पार्टी इंचार्ज थे, तो जैसे मैंने उनको पूछा कि उनका एक तरह से कमबैक हुआ है सतीश पूनिया का, तो एक तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। सेकंड पॉइंट है कि जो लीडर्स हैं, जो सीएम है, डेप्यूटी सीएम्स हैं, सचिन पायलट है, उन सबके लिए ये एक लिटमस टेस्ट है। अच्छा, सुशांत ने एक्सप्लेन कर ही दिया है। जी, इसमें बीजेपी के लिए तो बड़ी चुनौती है ही, और उनका लिए जो है पार्टी वर्कर्स कितना साथ में जुड़ रहे हैं ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन कांग्रेस के लिए भी चुनौती कम नहीं है, क्योंकि इससे पहले तक अशोक गहलोत साहब का एक बड़ा इंप्रेशन रहता था चुनावों के अंदर, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से परिणाम आए या विधानसभा चुनाव में जो हार हुई उसके बाद से थोड़ा सा एक पीछे थोड़ा सा बैकफुट पर रहे थे वो, तो क्या सचिन पायलट के लिए इस चुनाव के अंदर कितना उनको आगे बढ़ाते हैं या उनके कैंडिडेट्स को कितना बढ़ाया जाता है, कितनी सीटें किस खेमे को मिलती है, ये भी तय करेगा कि अब आगे जो कमान है वो किसके हाथ में जा रही है। जी बिल्कुल, उसके संकेत तो मिलेंगे, लेकिन अगर आप कांग्रेस पार्टी की ओवरऑल बात करते हैं, मैं लीडर्स पे बाद में आऊंगी, अगर आप कांग्रेस पार्टी की ओवरऑल बात करते हैं तो बिल्कुल कांग्रेस कंफर्टेबल पोजीशन में मैं नहीं मानती हूँ। क्योंकि देखिए, मुरारी लाल मीना का चुनाव जीतना एक अलग बात है, लेकिन दौसा वाली सीट में अगर किरोड़ी ने अपने भाई को टिकट दिलवा दिया तो एकदम कांटे की टक्कर होने वाली है। दूसरी बात है, आपने खुद ने बांसवाड़ा डूंगरपुर का चुनाव देखा था, वहां पर कांग्रेस ने तो गठबंधन कर लिया था, भारतीय आदिवासी पार्टी थे, लेकिन कांग्रेस का जो कैंडिडेट था वो पीछे ही नहीं हटा, उसने अपना नॉमिनेशन ही वापस नहीं लिया, तो बड़ी अजीब और गरीब स्थिति हो गई थी कांग्रेस के लिए। अब 84 में जो भारतीय आदिवासी पार्टी है, राजकुमार राउत की ये खुद की सीट है, प्रेस्टीज बैटल है, वो दोनों बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देंगी और इधर कोई अलायंस नहीं है।
अब आप देखिए कि खीमसर जहां पर हनुमान बेनीवाल के साथ उनका अलायंस था वो जीत गया, लेकिन अब असेंबली में वो अलायंस देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। बेनीवाल का दो दिन पहले बयान आया है कि कांग्रेस ने मेरे को मेरे साथ धोखा किया, इस तरह से बयान आया है उनका। तो कांग्रेस कहीं कंफर्टेबल नहीं है। और आप अगर देखेंगे जो देवली उनियारा वाली सीट है, वो सीट हम कंफर्टेबल मांग रहे हैं, जो सचिन पायलट की गढ़ की सीट है, वहां पर भी जातिगत समीकरण जो है गुजर मीना वर्सेस बहुत मुश्किल है। वहां पर टाइट रोप वॉक करना एक करना पड़ेगा कांग्रेस को। और जहां तक ब्रिजेंद्र ओला वाली सीट है झुंझुनू की, जो आपने कहा हरियाणा में, देखिए जो एक समुदाय विशेष का वोट जो बीजेपी से खिसक गया था, अगर वो वापस बीजेपी के पास आता है, और वो बहुत इन्फ्लुएंशियल वोट है जाट वोट, तो हम भजन लाल की एक बड़ी उपलब्धि ये मानेंगे। प्लस चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप ब्रिजेंद्र ओला की जगह किसको देंगे? क्या उसके परिवार से किसी को देंगे या किसी और को देंगे? तो चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स, लोकल फैक्टर्स, सीएम का चेहरा, ये सब चीजें बहुत मायने रखेंगी। और जैसे आपने कहा, बिल्कुल देखना पड़ेगा कि क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों मिलकर इस बार चुनाव में वापस दिखेंगे या नहीं, या ज्यादातर सचिन को ही कमान दी जाएगी। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ये उपचुनाव। मैं बिल्कुल भी इसको मतलब अंडरमाइन या नजरअंदाज नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि राजस्थान का सबसे इंटरेस्टिंग उपचुनाव रहेगा। बहुत रोचक ये चुनाव दिखाई दे रहा है। मैं हर्षा जी वापस लौटता हूँ, सुशांत पारिक भी हमारे साथ हैं, एक रिएक्शन में जरा सुशांत से भी। सुशांत एक चीज बताइए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी से जब क्योंकि कुछ सीटें जब हाथों से निकल गई, तो उसके बाद पॉलिटिकल पंडित ये बार बार कह रहे थे कि कुछ चीज़ों को लेकर के बीजेपी मैनेज नहीं कर पाई, जैसे कि अपने कुछ पुराने दिग्गज नेता हैं उनको शायद उन्होंने उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी या वो खुद साइडलाइन हो गए, तो क्या उसको वापस से साधने, क्योंकि हरियाणा में कहा गया कि भाई संघ से दूरी हो गई थी, इसका बड़ा खामियाजा उनको लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा था, लेकिन विधानसभा आते आते उन्होंने उस चीज़ को बैलेंस कर लिया था। तो राजस्थान में इस डैमेज कंट्रोल को लेकर के जो लोकसभा में हुआ था, वापस उसको ठीक करने के लिए कुछ तैयारी? बिल्कुल, ये बात भाजपा अच्छे से जानती है कि उपचुनाव बहुत मुश्किल चुनाव है उनके लिए, और जैसा कि हर्षा जी कह रही हैं कि सारा दारोमदार जो है वो रहेगा प्रत्याशियों के चयन को लेकर, और इसके लिए एक्सरसाइज पिछले 2-3 महीने से चल रही है। जो कमेटियां बनाई गई सभी सीटों को लेकर, उनमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को रखा गया, संगठन के लोगों को रखा गया, और हमने देखा कि जहां पर जिस नेता का प्रभाव है उसको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो ये होमवर्क पहले से चल रहा है, उसमें फाइनल फिर संगठन का जो है इनपुट रहा, सीएम ने अपना फीडबैक दिया, और लिस्ट से जो नाम जो है वो चले गए हैं दिल्ली, और उम्मीद कर रहे हैं कि भाजपा जल्द अपनी सूची जारी करेगी। तो इसमें दो राय नहीं है कि भाजपा के सारे नेता भले ही कैमरे के सामने कुछ भी कहें, ये जानते हैं कि चुनाव बिल्कुल आसान नहीं है। एक सीट उनके पास थी, बाकी सभी सीटें जो सीट थी वो जीतनी है, और बाकी पर कितनी सीटों पर वो अपने बेहतर प्रत्याशी दे सकते हैं उसी से ये तय होगा कि मुकाबला किस तौर पर रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो ये 3-4 सीटों पर मुकाबला हो सकता है, हमें त्रिकोणीय या फिर कोई निर्दलीय मैदान में हो तो चतुष्कोणीय दिखाई दे सकता है, लेकिन 2-3 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर सीधा मुकाबला होगा, और सीधे मुकाबले में आपके प्रत्याशी जो हैं कौन होंगे और स्थानीय तौर पर वहाँ पर कार्यकर्ताओं की कितनी मर्जी होगी, क्योंकि इससे पहले पिछली सरकार में हमने देखा कि पलड़ा कांग्रेस का भारी रहा था सत्ता में, उपचुनावों पे ज़्यादातर सीटें उन्होंने जीती थी। इस बार ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो जहाँ जहाँ से विधायक सांसद बने हैं वो सारे कांग्रेस के मजबूत गढ़, लेकिन कांग्रेस के लिए भी चुनौती आसान इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर उनके विधायक थे और वो अब सांसद बन चुके हैं, उनका विकल्प तलाश करना, उस तरह के प्रत्याशी जैसे हरीश मीणा हैं, अगर उनकी जगह किसको आप टिकट देंगे, अगर ओला हैं तो उनकी जगह आप किसको मैदान में उतारेंगे, तो कांग्रेस के लिए भी प्रत्याशी ये बड़ी 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 चिंता और चुनौती की बात भी है। तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन अब सबसे पहला जो बड़ा फेज है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो है प्रत्याशियों के चयन का, और इसमें कौन पहले बाजी मारता है, यानी कि पहले कैंडिडेट्स कौन डिक्लेयर करता है, और सही जैसे कि बार बार कहा जाता है दोनों पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से कि भाई जिताऊ और टिकाऊ जो कैंडिडेट है वो उनको ज़रूर मिलना चाहिए, तो किसकी खोज पहले हो जाती है इस पर नज़र बनी रहेगी। खैर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े सुशांत जी आप, और हर्षा जी बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए, और बारीक समीकरण हमारे दर्शकों तक पहुँचाए गए। यार रुक रहे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, बने रहिए NDTV राजस्थान के साथ।